आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी के पत्तों के पकोड़े, जिसे हम हमारी लोकल भाषा में बोलते हैं पतरोड़ू। तो इसको बनाने के लिए मैंने यूज किया है चावल और चने की दाल। चने की दाल हम लेंगे थोड़ी ज्यादा, जैसे ये बड़ी कटोरी है, और चावल जो है वो थोड़े कम लेने इससे। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इनको जो है सुबह मैंने इनको सोक करने के लिए रख दिया था, भिगोना है। भिगोने के बाद हम इसको पीसेंगे। यहाँ ठंड होती है तो मैं 2 घंटे तक इनको भिगो के रखा मैंने, और आपके यहाँ गर्मी होगी तो आप 1 घंटे में भी अच्छे से हो जाएंगे। फिर मैंने मिक्स में ग्राइंड करके ऐसा पेस्ट बना लिया। ऐसा पेस्ट जब आपका बन जाएगा तो आपने कुछ नहीं मिक्स करना है पीसते हुए, सिर्फ चावलों को पीसना है, चने की दाल को पीसना है। मैं इसलिए बता रही हूँ दाल को पीसे और चावलों को पीसे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। गेहूं का आटा बिल्कुल भी यूज़ ना करें, उससे जो आपके पकोड़े हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने इनको पीस लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच हल्दी, पिसा हुआ धनिया पाउडर, हल्की सी मेथी पीसी हुई, और 1 हाफ स्पून जीरा। लाल मिर्ची हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही हरी मिर्ची पीस ली हुई है। और इसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं हम, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं हिमाचल में भावरी, जिसको मरुआ के नाम से और फजा के नाम से जाना जाता है। ये इस तरीके का पौधा होता है, पत्ता ये तोड़ के रखा है मैंने, तो इसलिए इसका कलर ब्राउन हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा पौधा होता है, ये मेडिकली भी यूज़ होता है। जब भी हमारे यहाँ बीमार हों, लूज मोशन, वॉमिटिंग हो, तो इसको यूज़ किया जाता है। इसको मैंने पीस लिया है, थोड़ा सा पानी डाला है, पत्ते डाले हैं, और साथ में हरी मिर्ची डाली हुई है। अब इसको मैं इसमें मिक्स कर दूंगी, जिसकी वजह से हमारे जो मटेरियल है उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। और इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज है, जो सुबह मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताए थे, हल्दी के प्लांट बताए थे, हल्दी का 1/2 पत्ता जो है वो आपने ग्राइंड करके इसमें डालना है। टेस्ट जो है वो नमक अपने स्वाद अनुसार डाल लें। ये देखिए, ये इतना थिक होना चाहिए, क्योंकि हमने इसको पत्तों की हर लेयर में अप्लाई करना है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे बनाया जाता है। मैंने न्यूज़पेपर इसलिए बिछाया है क्योंकि अरबी के पत्ते बहुत बड़े होते हैं, तो वो किसी भी सरफेस पे नहीं फिक्स होंगे, इसलिए मैंने न्यूज़पेपर बिछाया है। अरबी के पत्ते को बीच से ऐसे जरूर काटना है, और अरबी के पत्ते को हमेशा उल्टा रखा जाता है। तो इसको मैं हाथ से ही अप्लाई करूंगी, क्योंकि हमने इसको हर पोर्शन पे यूज करना है, पत्ते की हर तह पे लगाना है। इससे जो है, ये जो हमारा मसाला है, इसका सारा टेस्ट इसमें आ जाएगा। ये ध्यान रखें कि अरबी का जो पत्ता होता है वो हल्का तीखा होता है, इसको ऐसे ही कच्चा खाने की टेस्ट करने की गलती ना करें। एक पत्ते में मैक्सिमम, जब भी एक पकौड़ा बनाते हैं तो 3 पत्ते यूज किए जाते हैं। अब दूसरे पत्ते को हम फिर से काटेंगे बीच से और यहाँ रखेंगे, ये उल्टा रखना है। याद रखना, एक की डायरेक्शन इस साइड थी, इस तरफ एक का मुंह था, तो दूसरे का जो रखेंगे वो उस साइड रखेंगे। इसके ऊपर भी जो मसाला है उसको अप्लाई करेंगे। मसाला अच्छे से अप्लाई करें, क्योंकि जो हमारा नमक है वो मसाले के थ्रू ही हर जगह पे पहुंचेगा। अब हम लेंगे इसका थर्ड पत्ता। थर्ड पत्ते को भी बीच से ऐसे काट लें और यहाँ रखें। बस कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा 3 पत्ते ही लगाएं। ज्यादा पत्ते लगाएंगे तो ये बीच से कच्चा रहेगा, और कम पत्ते लगाएंगे तो ये जल्दी जल जाएंगे। तो हमेशा 3 पत्ते ही लगाएं। अब हमारे तीनों का लेप लग चुका है। अब इसको हाफ ऐसे फोल्ड कर लें। जो इंग्रेडिएंट मैंने डाले हैं वो घर में ही बने हैं, बाहर से मैं कुछ नहीं लाई हूँ। आपने भी वैसे करना है। चावलों को इसलिए डाला जाता है क्योंकि चावलों को डालने से इसमें क्रंची टेस्ट आता है, क्रंची बन आता है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। बस ये हो गया। अब हम इसको
फोल्ड करेंगे। फोल्ड जो है वो टाइटली करना है, लेकिन इतना प्रेशर नहीं डालना है कि पत्ता ही फट जाए। ये देखिए हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, हल्दी का एक पत्ता फोल्ड करेंगे। हल्दी का पत्ता इसलिए यूज करते हैं, उसको खाएंगे नहीं, जब ये बन जाएगा तो हल्दी के पत्ते को निकाल कर फेंक देंगे। ये हल्दी का पत्ता बहुत ही यूनिक टेस्ट देता है। बस ऐसे पकड़ना है और ऐसे फोल्ड कर दें। ये हमारा पैक हो गया। इसको नहीं बांधना है, बांधेंगे नहीं हम। अब मैं एक और करके बता देती हूँ। पत्ता रखेंगे, उसको बीच से काट लेंगे। पत्ता हमेशा उल्टा ही रखेंगे। मसाला लेंगे, मसाले को अप्लाई कर लेंगे। दूसरा पत्ता लेंगे, उसको उल्टी डायरेक्शन में रखेंगे, लेकिन रखेंगे उल्टा ही। ये बड़े पत्ते हैं तो मैं इनमें सिर्फ दो पत्ते ही ऐड करूंगी, ज्यादा नहीं ऐड करूंगी, वरना ये जो हैं अंदर से गीले गीले से बनेंगे, अच्छे से पकेंगे नहीं। और हाँ, एक बात और याद रखें, जब भी आप मसाला तैयार करते हैं वो ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ना ही ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए, और 2 टेबल स्पून जो है वो आपने कड़वे तेल के जरूर डाल लेने हैं। वो मैंने डाली लेकिन आपको बताया नहीं। अब ये इसको हम फोल्ड कर लेंगे हाफ, जैसे हम कपड़ों का तह लगाते हैं हाफ, वैसे इस पे मसाला अप्लाई करें। दूसरा हाफ इसके ऊपर, बाहर नहीं निकालना है। मसाला अच्छे से अप्लाई करें और मिर्ची इसमें हल्की तीखी रखें, बहुत तीखी नहीं, हल्की तीखी, क्योंकि ये जो है ये वेजिटेबल नहीं है, ये एज अ पकौड़ा खाएंगे हम जब ये बन जाएगा। इसको रोटी के साथ नहीं खाया जाता है। इसको खाने का सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है, इसको गरम गरम बीच से काटें, छोटे छोटे पीसेस बनाएं और ऊपर से देसी घी डालकर आप खाएं। अब इसको मैं फिर से हल्दी के पत्ते में फोल्ड करूँगी, क्योंकि हल्दी का पत्ता बहुत ही ऑसम टेस्ट देता है। लीजिए, हमारा एक और बन के तैयार हो गया। तो ठीक है, मेरे जो जितना मसाला मैंने बनाया था उससे बने हैं टोटल 8। 4 मैं उबाल के बना के दिखाऊंगी और 4 जो है वो डायरेक्ट मैं तल के बताऊंगी। तो सबसे पहले कुकर लेना है आपने। कुकर में जो बर्तन का स्टैंड होता है वो डाल दें और पानी डालना है। पानी इतना डालना है आपने कि जो स्टैंड से ऊपर ना, स्टैंड से नीचे ही रहे, अप्रोक्सीमेटली 1 गिलास। उसके बाद जो है आपने, अगर आपके पास लकड़ियां हैं अवेलेबल, अगर आपके पास लकड़ियां हैं तो इतने इतने पीस काट लें, अगर नहीं है तो आप घर में जो भी चम्मच वगैरह होते हैं वो रख लें। अप्लाई रखना कैसे है इनको, इस स्टैंड के ऊपर रखना है ताकि जब हम ये पकोड़े पतरोड़े डालें तो ये नीचे टच ना करें। ये देखिए ऐसे रख लिए। अब मैं रखूंगी एक हल्दी का पत्ता इसमें। हल्दी का पत्ता ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो यूज़ करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हल्दी के पत्ते से बहुत अच्छी खुशबू आती है। और जो मैंने हल्दी के पत्ते में फोल्ड किए हुए थे पतरोड़े वो डाल देंगे पकोड़े। ये और इसमें मैं स्टीम लगाऊंगी, 2 स्टीम लगाऊंगी मीडियम गैस में, ज़्यादा ना लगाएं वरना ये बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। ये हो गए, और बाकी के जो 4 हैं वो आपको मैं कढ़ाई में बना के दिखाती हूँ। ओके, तो मैंने चूल्हे में आग जला दी है। बेसिकली मैं गांव की हूँ तो हम चूल्हा ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम तेल उतना डालेंगे जितना हम करेले फ्राई करने में डालते हैं, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए क्योंकि हमने इनको पकौड़ों को फ्राई करना है। जितनी देर में हम करेलों को बदलते हैं बार बार आके, उतना ही आपने बदलना है। आग जो है गैस में मीडियम रखें, फुल रखेंगे तो पत्ते एकदम से नीचे से जल जाएंगे, इसलिए चूल्हे में भी मैंने थोड़ी सी आग जला रखी है। मेरा तेल हो गया है। अब मैं वन बाय वन करके ध्यान से जो है कढ़ाई में ये पकोड़े डालूंगी। ध्यान से डालें, जब हम कोई चीज़ तेल में डालते हैं तो वो तेल ऊपर उछलता है। 4 मैंने कुकर में डाले हैं और 4 मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। अब क्या करना है, जो हमारे पास हल्दी के पत्ते थे उनको फोल्ड करके
ऊपर रख देना है ताकि इनको ढक देना है ताकि हल्दी की खुशबू बनी रहे। और अब मैं थाली से इनको ढक दूंगी। और ऊपर से आप कुछ हैवी बर्तन रख दें ताकि हवा लीक ना हो। ये कुंडी है, मैंने कुंडी रख दी है। अब थोड़ी थोड़ी देर के बाद आके इनको आराम से बदलना है ताकि ये बीच से फटे ना और ये आराम से हो जाएंगे। अब मैं आपको ये बाद में दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो पकोड़े हैं वो बनके तैयार हैं। ये है जो मैंने बॉईल करने के लिए डाला था कुकर में, और ये है जो मैंने डायरेक्ट पकाया है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? जो हमने कढ़ाई में बनाया है वो बाहर से परफेक्ट होता पक गया है, लेकिन अंदर से ऐसा होता है, ऐसा रहेगा ये, ठीक है। और जो हमने बॉईल किया है वो बाहर से भी अभी कच्चा है, बस गल गया है, और अंदर से भी कच्चा है। मुझे बेसिकली खाना ये बॉईल पसंद है। क्यों? क्योंकि अब इसे हम तवे में फ्राई करेंगे। तवे में फ्राई करने से ये यहाँ से भी पक जाएगा, दूसरी साइड से भी पक जाएगा, हर तरफ से पक जाएगा, और ये इतना टेस्टी होता है, करारा होता है। अब जो तेल हम यूज़ करेंगे वो करेंगे जो कढ़ाई में हमने इसको बनाने के लिए डाला था, क्योंकि ये तेल ऑब्जर्व नहीं करते हैं, ये सिर्फ उसमें पकते हैं। और ध्यान रहे कि इसको आपने हाई फ्लेम में नहीं पकाना है, पहले मीडियम रखें फिर स्लो कर दें। बस इसकी स्किन इतनी होनी चाहिए। अगर आप इसको ज़्यादा और कड़क कर देंगे तो ये जल जाएगा और कड़वा हो जाएगा। अब हम इसे फ्राई करते हैं। देखिए चूल्हे के आके कितने फ़ायदे होते हैं, मेरा खाना भी बन गया और जो मैंने सुबह मक्की तोड़ी थी खेत से वो भी पक रही है। अब मैं फ्राई करके बताती हूँ आपको। मैं 3 पीसेस रख दूंगी, 1, 2, 3, और इसमें अभी मैं तेल अप्लाई कर दूंगी। मैं वो तेल अप्लाई करूंगी जो मैंने दूसरों पकौड़ों को बनाते हुए यूज़ किया था। लेकिन ध्यान रखें कि हमेशा मस्टर्ड ऑयल कड़वा तेल ही यूज़ करें खाने में। हाँ, रिफाइंड यूज़ करें पर जब आपको करना हो, अदरवाइज ये अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। बस अब मैं इसको ऐसे फ्राई करूँगी, एक साइड से दूसरी साइड से जल्दी हो जाएंगे, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनते हैं। देखिए मेरे पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसको डबल साइड फ्राई किए तो कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इनको खाने का क्या सीक्रेट है, आप इनको लीजिए और ऊपर रखिए देसी घी और जल्दी जल्दी गरम गरम खा लीजिए, ठीक है। ऐसे खाए जाते हैं पकोड़े, आप भी बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।